टाइम ट्रैवल कंसेप्ट के हिसाब से टाइम एंड स्पेस आर लिंक्ड टुगेदर. एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो सेड दैट आवर यूनिवर्स हैज अ स्पीड लिमिट ऑफ 186,000 माइल्स पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज इस यूनिवर्स में कुछ नहीं. ये बताने के पीछे का रीज़न है द प्रिंसिपल ऑफ टाइम ट्रैवल, अकॉर्डिंग टू विच द फास्टर यू ट्रैवल द स्लोअर यू एक्सपीरियंस टाइम. आइए जानते हैं कैसे. Have either of you guys ever studied quantum physics? What are you talking about? Time works differently in the quantum realm. The only problem is right now, we don't have a way to navigate it. But what if we did? Are you talking about a time machine? स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में. कैन वी ट्रैवल थ्रू टाइम? Well, according to some research, traveling through time is not only possible but safe also. अगर basic से शुरुआत की जाए तो time travel depend करता है upon speed, space and gravity. For example, अगर आपने Interstellar movie देखी है तो आपको याद होगा वो ocean वाला planet जो कि एक black hole के पास था, जिसके कारण वहाँ बिताया हुआ हर घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था. Which is a clear example of how gravity affects time. And on the other hand, अगर हम future में चल के ऐसे कोई space station बना लेते हैं जो कि speed of light के बराबर में travel कर सके, then we can say that if you travel just under the speed of light for one day, you would have been traveling in future for 72,000 day on Earth, which is approximately 197 years into the future. This form of time travel is theoretically possible once the technology exists. Shocking, but this how time works. ये तो हुई future की बातें. Past का क्या? हम past में कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी कल किसने ही देखा है? तो let's talk about how to travel in past. लेकिन future के मुकाबले past में जाना थोड़ा ज़्यादा tricky है. पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की बात की जाए तो लॉजिकली हम सब खुद में ही एक तरीके से टाइम ट्रैवलर हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करते हैं. जैसे द नॉर्थ स्टार, जिसे पोलैरिस नाम से जानते हैं, वो हमारे प्लैनेट से करीब 323 लाइट ईयर दूर है. तो हम जब भी पोलैरिस को देखते हैं, हम एक्चुअली 323 ईयर्स पीछे देख रहे होते हैं. और अगर अभी पोलैरिस स्टार फट जाए या डिसअपियर हो जाए तो उसकी भनक हमें आगे आने वाले 323 साल तक नहीं लगेगी. और तो और, मून को देखते वक्त भी हम 1.3 सेकंड पास्ट में देख रहे होंगे. इवन वाइल लुकिंग इन द मिरर यू आर लुकिंग इन पास्ट फॉर अबाउट 10 नैनो सेकंड्स ऑन अ फिक्स्ड डिस्टेंस. बट दिस इज अबाउट ऑब्जर्विंग पास्ट. व्हाट अबाउट ट्रैवलिंग इन पास्ट? वेल, इट इज लॉजिकली डिफिकल्ट, बट देयर कुड बी वन वे ट्रैवलिंग इन पास्ट बाय यूजिंग अ नेचुरल फेनोमेनन कॉल्ड वर्म होल. वर्म होल्स आर हाइपोथेसाइज्ड tunnels connect two different point in the universe. And here comes the interesting part, that is, wormhole may not just connect space, but they might also connect various point in the time as well. वैसे अभी तक एक भी वर्म होल पाए नहीं गए हैं, लेकिन स्पेस एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज सेम वेरिएबल. वर्म होल पैदा होते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स स्पेस टाइम. अगर हम उस हाई इंटेंसिटी ग्रेविटी को पार कर पाए, देन टाइम ट्रेवल मे बी पॉसिबल बाय एंटरिंग वन एंड ऑफ अ वर्म होल एंड कमिंग आउट द अदर. कुल मिला के मुद्दा ये है कि फ्यूचर में जाना आसान है, तुम्हें सिर्फ बहुत तेज होना पड़ेगा. बट पास्ट में जाने के लिए फैंसी मैथमेटिक्स, अ लॉट ऑफ ग्रेविटी एंड अ वेरी हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है. क्या हो अगर आपके पास टाइम मशीन आ जाए और आपको टाइम ट्रेवल करने का एक मौका मिले, तो आप अपने पास्ट या फ्यूचर में जाके क्या क्या बदलना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और क्या लगता है आपको, टाइम मशीन जैसे चीज का इन्वेंट होना हमारे लिए बून है या कर्ज? सोच के देखिए. Oh, oh, oh.